आज हम 10th क्लास के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से एक को हम कहते हैं एथेनॉल और दूसरे का नाम है विनेगर और एसिटिक एसिड। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। इसको इसका जर्नल नेम है इथाइल अल्कोहल और आयुपिक नेम है OH की वजह से एथेनॉल। दूसरा इंपॉर्टेंट मेंबर है एसिटिक और एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका आयुपिक नेम है क्योंकि इसमें एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो एथेनॉल को बनाने के लिए हम ग्लूकोज या स्टार्च को मैं ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट डालने से इनके अंदर से दो एंजाइम्स या तीन एंजाइम्स निकलते हैं, जाइमेज और इन्वर्टेज, जो इसको ग्लूकोज और स्टार्च को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसका बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है, अगर हम घर में आटे को रख दें तो आटा एक दो दिन के बाद सड़ जाता है और उसमें से छेद छेद हो जाते हैं, जिससे हम डबल रोटी बना लेते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि ग्लूकोज के सड़ने से हमें एक तो मिलता है हमें एथेनॉल और दूसरा मिलता है प्लस CO2, ठीक है ना। तो जब CO2 उसमें से एस्केप करती है तो डबल रोटी छेद पोरस हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो बच्चों ब्रेड में भी अल्कोहल होता है, कितने परसेंट? 3 से 4%। अगर हम उसको बढ़ा दें तो 8% पे बियर बन जाती। अब एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं? जब हम इस एथेनॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज और कर दें, मतलब लगातार ऑक्सीडेशन करते रहे, तो एथेनॉल को एसिडिक के MnO4 कन्वर्ट कर देता है किसमें? एसिटिक एसिड में। कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये CH3 और ये CH2 और ये हमारा OH, ठीक है ना। तो जो एसिडिक के MnO4 करता है तो आप देख सकते हैं वो इस ग्रुप को CH2OH ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा बच्चों किसमें? एसिड में। तो जब ये वाला ग्रुप इस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको कंपाउंड मिल जाएगा बच्चों, क्या हमको कंपाउंड मिल जाएगा? एथेनोइक एसिड, ठीक है ना। और इसके 8 से 10%, या फिर मैंने देखा है कि 10th क्लास में इसका कॉन्सेंट्रेशन 5% भी दिया हुआ है। तो 5% जब ये होगा तो अब हम इसको विनेगर कह देंगे। विनेगर का मतलब है सिरका, और जिसको हम चाउमीन बनाने में यूज करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे अब इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 156, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है 351 और मेल्टिंग पॉइंट होता है 156। अगर हम सेंटीग्रेड में देखें तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.30, जबकि ये भी लिक्विड पॉइंट है और इसका ये भी लिक्विड होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब इसका बर्निंग टेस्ट होता है, अगर हम इसको मुंह में लगा लें तो मुंह में हल्की सी जलन होती है, और इसका टेस्ट खट्टा होता है, तीखा, जैसा चाउमीन में होता है। इसमें से एक करेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, और इसमें से पंजेंट स्मेल आती है सिरके जैसी। आपको रसोई में सिरका मिल जाएगा, आप उसको सूंघ कर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अल्कोहल न्यूट्रल नेचर का होता है, इसका मतलब जब हम इसको ब्लू लिटमस पे या रेड लिटमस पे डालेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि एसिटिक एसिड और एथेनॉइक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में बदल देते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब हम एथेनॉल की रिएक्शन Na2CO3 या NaH सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कराते हैं तो एथेनॉल इन दोनों से ही रिएक्ट नहीं करता है। एथेनॉल इन दोनों से ही रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन आप देख सकते हैं
एसिटिक एसिड NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों से ही रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने से इसमें से ये एच हटकर एक Na लग जाता है और प्लस CO2 की इफर्वेसेंस निकलती है। तो जब हम एथेनोइक एसिड की रिएक्शन Na2CO3 या NaHCO3 से कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो CO2 की ब्रिक इफर्वेसेंस निकलती है। हम चलते हैं अल्कोहल और एसिड के नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टीज से हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। जब हम एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जब हम एसिड की रिएक्शन करते हैं तो ये तो एसिड होता है, ठीक है ना, और ये बेसिक होता है, तो एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं और इसमें CO2 की इफर्वेसेंस निकलती है। कैसे निकलता है बच्चों? ये वाला एच Na से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा Na और ये हो जाएगा H2CO3, और H2CO3 के डिकम्पोजिशन से हमको CO2 और H2O की इफर्वेसेंस मिलती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और 10th क्लास के लिए एक ही कार्बोनेट्स कंपाउंड की रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम एथेनॉल और एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें एस्टर की फ्रूटी स्मेल आती है। बच्चों, कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है किसी भी कंपाउंड में से वाटर को निकालना, किसी भी कंपाउंड में से वाटर को निकालना। तो मैं इस वाले एग्जाम्पल में समझाता हूं कैसे। ये एसिड है, तो एसिड का ये एच और अल्कोहल का, सॉरी, एसिड का ओ एच और अल्कोहल का ये एच आपस में मिलकर एच टू निकाल देते। अब आप देख सकते हैं इधर से क्या बचा, इधर से बचा एसिड वाली साइड से सी एच थ्री सी ओ, और हमने जो अल्कोहल में से H निकाला तो H निकालने के बाद क्या बचा, ओ सी टू एच फाइव, ठीक है ना, और COO बन गया। इसको हम एस्टर कहेंगे और इसमें से एस्टर की फ्रूटी स्मेल आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10th क्लास के बच्चों से हमेशा पूछा ही जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो सोडियम हमेशा एसिड में से हाइड्रोजन निकाल देता है। तो जब हम इस सोडियम की रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह पर एक Na आ जाएगा। अब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो उससे हाफ मोल हाइड्रोजन बन जाएगी। एसिड में भी ऐसा होगा, यही एच निकलेगा और इसकी जगह पर एक एच Na आ जाएगा और इससे भी हाफ एच टू बन जाएगी। मतलब इस रिएक्शन से हम अल्कोहल और एसिड में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। जब हम एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमने प्रिपरेशन में देखा था एथेनॉल का रिएक्शन एसिडिक KMnO4 से कराने पर हमको एसिटिक एसिड मिल जाता है, लेकिन एसिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराने पर ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ओवरऑल समरी में देख सकते हैं एथेनॉल और एसिड की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसके साथ हम एसिड और अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। ये कॉमन रिएक्शन है और इससे हम एसिड और अल्कोहल दोनों का ही टेस्ट कर सकते हैं। जब एसिड और एथेनॉल को हम आपस में मिलाकर गर्म करते हैं तो फ्रूटी स्मेल बनती है, ठीक है ना। जब हम एसिड और एथेनॉल दोनों की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो दोनों में ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और जो आग पकड़ लेती है, लेकिन इस रिएक्शन से हम दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते। तो बच्चों, अब आपके लिए सिर्फ जो इस समय येलोइश हो रहा है वही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि एथेनॉल से सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन एसिड करेगा। एसिड और एस्टर, एसिड और अल्कोहल आपस में मिलकर एस्टर बना देते हैं जिसकी फ्रूटी स्मेल आती है, और एथेनॉल और एसिड दोनों ही सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज कर। हम देख लेते हैं कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आया हुआ है
कि अगर हम एथेनॉल को एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक KMnO4 से ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा। तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने पर हमें एसिटिक एसिड मिल जाता है। बोर्ड का आया हुआ दूसरा क्वेश्चन है, जब एसिड और अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो H2O के एलिमिनेशन से हमको एस्टर मिल जाता है। तीसरा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब हम एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से करते हैं तो हमने अभी अभी देखा ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन कैसे आया था, जब हम एक्स कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम से करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और यही कंपाउंड एक्स कंपाउंड जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, सोडियम से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म करने पर ये हमको एल्कीन या एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड देता है। क्योंकि देखो ये वाली रिएक्शन एसिड भी दे सकता है और अल्कोहल भी दे सकता है, तो इससे अल्कोहल और एसिड दो आंसर हो सकते हैं। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो ये बच्चों अभी अभी आपको बताया है, जिसकी भी रिएक्शन जो भी इससे रिएक्ट करेगा वो उसका पानी निकल जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, ये वाला तो H ले लेता है OH और इस CH3 से एक H लेकर H2O निकाल देता है। जब एक बैलेंसी कार्बन की फ्री हो जाएगी और एक इस कार्बन की, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके एल्कीन बना देता है। पिछले कई सालों से सिर्फ इतना ही आपके एग्जाम में आया है और हर साल डेफिनेट एक क्वेश्चन 10th क्लास के पेपर में आता है। तो बच्चों आप इसको ढंग से याद कर लो और बोर्ड में 95% या 9.5 CGPA से ज़्यादा नंबर लेके आओ।